मुश्किल में फंसी सिंधिया की समर्थक इमरती देवी, निर्वाचन आयोग में दर्ज हुई शिकायत, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब डबरा से भाजपा प्रत्याशी और सिंधिया समर्थक नेता इमरती देवी मुश्किलों में फंस गई हैं। दरअसल इमरती देवी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हलफनामे में अपने ऊपर दर्ज अपराधों के बारे में जानकारी नहीं दी है। नियम के अनुसार शपथ पत्र में झूठी जानकारी देना या छिपाना अपराध माना जाता है और प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। डबरा प्रत्याशी के नामांकन निरस्त करने की मांग। ग्वालियर जिले के ग्रामीण अंचल की डबरा विधानसभा सीट से इमरती देवी भाजपा प्रत्याशी हैं। वे कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार इमरती देवी के ऊपर भारत निर्वाचन आयोग में फॉर्म भरते समय अपराध छिपाने की शिकायत की गई है। शिकायत में बताया गया है कि इमरती देवी ने फॉर्म भरते समय अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया है। बताया गया है कि उनके ऊपर 7 अपराध दर्ज हैं, जिसमें 6 मुकदमे डबरा सिटी थाने में और 1 मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज है। इसी को लेकर नामांकन निरस्त करने की मांग की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।